सी इज नील और कैसा लग रहा है टेंट हाउस के अंदर? अच्छा। आपका टेंट हाउस में कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं तभी तो आप पूरे दिन टाइम पास कर पाओगे, है ना? हाँ, पे को घर ढूंढना। हाँ। ओके, पहले सेलिब्रेट करते हैं, सारा कुछ अरेंज करते हैं। म्यूजिक भी है आपके पास? हाँ, म्यूजिक हेडफोन। ओके। ऐसा लग रहा है आप तो 24 घंटे से ज्यादा ही रह लोगे टेंट हाउस के अंदर। आपका ये मिनी हाउस हो गया है ना रोनेल? मिनी हाउस ही है। हाँ, सब कुछ फर्नीचर भी डाल देंगे, तुम्हारा बेड वेड सब कुछ डाल देंगे। अभी दिन है ना, टेंट हाउस छोटा है आपके लिए तो परफेक्ट है। अरे तो फिर आप विन कैसे होगे? विन भी तो होना है। कैसे विन नहीं होते हैं? कैसे विन होते हैं वो पहाड़ी ऐसा चीज है। अच्छा, अभी आपका टेंट हाउस अरेंज करते हैं, ठीक है? ओके। फिर इंटरेस्टिंग होगा, फिर आपका मन लगेगा। ओके। और रानिल, टेंट हाउस चैलेंज लेकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। इधर देखो, सारा कुछ रख लिया है आपने? हाँ, सब कुछ मैंने पैकिंग कर लिया। ओके, मतलब आपका टाइम पास करने के लिए सब कुछ है अंदर? लेकिन फैन नहीं है। फैन नहीं है। तो टेंट हाउस के अंदर हमारा किचन रेडी हो रहा है। गाइस, रोनेल अपना चैलेंज बहुत अच्छे से कर रहा है, अपना टाइम पास के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है, अंदर भी किचन सेट कर रखा है। मैं आपको उसका किचन दिखाती हूँ, कैसा किचन है उसका, आप भी एंजॉय कीजिए उसका किचन। रोनेल, सबको अपना किचन भी तो दिखाओ। ये देखो, सब कुछ रेडी हो चुका है। I want a cup of tea. Okay. No, I don't want egg. I'm vegetarian. I want pizza. Egg is good for you. But I don't want it. But egg is good for you. Healthy. I don't like it, baby. Why? Because I'm vegetarian. It is yummy egg. I don't like egg. I don't like chicken. I don't like fish. Why? I want your fruits. Why you like fish? Because I like it. No, egg is healthy, very healthy. Then you eat. आप तो पूरा दिन लगता है किचन में ही निकाल दोगे। और मिल्क बिस्किट पीना है? हाँ। दे फिर अंदर ही? हाँ, अंदर ही। ठीक है, आप वेट करो। नॉक नॉक, योर मिल्क बिस्किट। चलो बैठो, अंदर रहो ना, एंजॉय योर मिल्क बिस्किट। वाओ, थैंक यू। मजा आ रहा है टेंट हाउस में? हाँ। और चैलेंज लोगे? विन हो जाएंगे। विन हो जाओगे? चलो ठीक है, आप रेस्ट करो, आपका अंदर ही बेड लगा दिए। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और स्लीपिंग कौन है? यस। और आप सो गए थे, कैसा लग रहा है सोकर? आप खाना खाएंगे? भूख लगी है? रानी, आप तो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हो, चैलेंज पूरा कर रहे हो। अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। शाम का वक्त हो चुका है और रानी अभी भी अपना प्रॉपर काम टेंट हाउस के अंदर कर रहा है। अभी होमवर्क करने का टाइम है तो रानी अभी होमवर्क कर रहा है। और कैसा रहा पूरा दिन रानी आज का? अच्छा
अच्छा ना, आज तो आपका हॉलिडे भी है ना? हाँ। चलो होमवर्क कर लो, ओके फिर मिलते हैं हम लोग। एक्चुअली गाइस पूरा कंप्लीट तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि वो 24 आवर टेंट हाउस के अंदर ही रहा है, वो कुछ कुछ टाइम के लिए बाहर भी निकला है, बट मैंने एक चीज नोटिस करी है, उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है और वो एक मतलब कुछ नया सीखने के लिए, कुछ एक टास्क पूरा करने के लिए वो ललक है बच्चे में कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे टेंट हाउस के अंदर ही रहना है। और दूसरी चीज कि वो अगर छुट्टी होती है तो छुट्टी वाला दिन मोस्टली वो मोबाइल फोन में ही लगा होता है। मैं उसके पास कितने सारे टॉयज है, फिर भी ज्यादातर टाइम क्या होता है कि मोबाइल देखना है। मैं भी कभी कभी अकेले रहती हूँ तो सोचती हूँ चलो भैया तू शांत रहे, मोबाइल ही देख लो, ये भी बात हो जाती है। बट जब से ये एक्टिविटी मैंने इसको दिया है कि आप होमवर्क कर लो, आप टेंट हाउस के अंदर खाना खाओगे, टेंट हाउस के अंदर ही रहोगे, तो नोटिस किया मैंने कि उसमें वो चेंजेस आए हैं। आज वो पूरे दिन में मोबाइल मुश्किल से उसने आधा घंटा देखा होगा, उसके बाद सारा काम अपना टेंट हाउस के अंदर ही कर रहा है। हाँ वो निकलता भी है, बाहर भी आता है, अंदर भी रह रहा है, और बट वो मजा कर रहा है कि हाँ मुझे कुछ नया मिल रहा है, नया कुछ करने को मिल रहा है। तो आप भी अपने बच्चों को कुछ कुछ छोटे मोटे टास्क दे सकते हैं ताकि वो उनका इन्वॉल्वमेंट लेवल कुछ अलग फील्ड से हो, कुछ खेलने में लगाए, अपना टाइम पूरे टाइम मोबाइल में ना लगाए, अपना देखते भी रहे और खेलते भी रहे, सीखते भी रहे, एक टास्क की तरह, एक गेम की तरह वो उसे यूज कर रहे हैं। अभी भी देखिए वो टेंट हाउस के अंदर ही है और अपना होमवर्क कर रहा है और खेल भी रहा है ना रानी? होमवर्क कर रहे हो? ओके नाउ फिनिश योर होमवर्क। ओके ओके लाइट हो चुका है, देखो मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? वेरी गुड रोनिल, आप बहुत अच्छा अपना चैलेंज कर रहे हो। और रोनिल का आप नाइट का भी पूरा इंतजाम कर रखा है रोनिल ने। मैं डोरेमोन को भी सुनाऊंगा इसी में। ओके और चलो अब डिनर का टाइम हो गया, डिनर करें रानिल? हाँ। अभी रानिल का स्नैक चल रहा है। चल रहा है स्नैक। और रानिल अपना एक्सपीरियंस तो बताओ, टेंट हाउस के अंदर कैसा लगा आपको? अरे फ्रेंड्स को निकला है। अच्छा खिला दो। वेरी गुड, आपको याद था है ना? आपके टेंट हाउस में तो बहुत अच्छा लाइटिंग वगैरह भी लगा है। अरे वाह रानिल, बाहर भी है अंदर भी है, रानिल के सारे फ्रेंड्स भी रानिल के साथ हैं। टेंट हाउस के अंदर ही रानिल डिनर करेगा आज। हम लोग भी रानिल के पूरा, रानिल का टेंट हाउस में पूरा साथ दे रहे हैं, हम लोग बाहर बैठ के खाएंगे, रानिल अंदर बैठ कर खाएगा। रानिल सोने की तैयारी कर रहा है, रानिल का बेड भी रेडी हो गया है। रानिल आप सोगे ना इसी के अंदर? हाँ मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? आप जब सोकर उठोगे तो आपका 24 आवर चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। गुड बाय। गुड बाय। गुड नाइट रानिल। रानिल उठ जा, आपका चैलेंज कंप्लीट हो गया है। ये हाँ आ जा। Now I have done 24 hour challenge. Are you happy now? Now time to say goodbye. Please subscribe our channel, Neil and Ronald. Goodbye.